यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। 10 बजे से परीक्षा शुरू हुई। इसके पहले प्रदेश पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित दूसरे दिन की लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस दौरान अलग अलग जिलों से 10 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 सॉल्वर हैं। वहीं परीक्षा शुरू होने से पहले चेकिंग के दौरान 72 अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए, हालांकि उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई। इन सभी के दस्तावेजों की स्क्रूटनी बोर्ड द्वारा आगे की जाएगी। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा के शुरुआती 2 दिनों के दौरान कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वही पुलिस ने अब तक 15 मुकदमे दर्ज किए हैं। शनिवार को बिजनौर के KPS इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्रों के बंडल की अंदरूनी सील टूटी मिलने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। हालांकि बिजनौर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि प्रश्न पत्र डबल लेयर से सील थे, जिसे कक्ष निरीक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र के अंदर ही खोला गया था। दूसरे दिन जो यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर जो थे, एक सेंटर जो JV जैन कॉलेज है आवास विकास रोड पर वो, और एक दूसरा गुरु नानक इंटर कॉलेज है जो कुतुबशहर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, दोनों में एक एक अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। जो आवास विकास में पकड़ा गया है वो अपनी उम्र कम कर और आधार कार्ड में अपनी फ़ोटो चेंज करके एग्ज़ाम दे रहा था, और जब ऊपर भर्ती बोर्ड से इनपुट मिला और वो बायोमेट्रिक में उसका डेटा मिसमैच हुआ, वहाँ से इनपुट मिलने के बाद इस पर कार्रवाई हुई। सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है भर्ती को। जो दूसरा है वो गुरु नानक इंटर कॉलेज में जो मिला था वो किसी दूसरे के बेसिस पर सॉल्वर बनकर पेपर दे रहा था, और उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, और उसको भी गिरफ्तार करके इसमें हम